नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट टुडे में। दोस्तों इस चैनल पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो अगर आपने इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस रखें और आगे बढ़ें। दोस्तों हाल फिलहाल एक नया सेबी का सर्कुलर आया जिसके ऊपर हमने वीडियो बनाई है, जिसको आप देख सकते हैं, न्यू सेबी सर्कुलर ऑन मल्टी कैप फंड्स। दोस्तों मल्टी कैप फंड्स के ऊपर जैसे ये सर्कुलर आया, बाजार में एक हाहाकार मच गया, एक डिस्कशन होने लगा। लोग ये सोचने लगे कि क्या बाजार ताश के पत्तों की तरह गिर जाएगा, क्या बाजार में गिरावट शुरू हो जाएगी क्या, क्योंकि इस रूल के तहत में ये बहुत क्लियर था कि लार्ज कैप स्टॉक्स जो हैं, जो मल्टी कैप फंड्स के अंदर में लिए गए हैं, उनमें शायद सेलिंग आ सकती है। क्योंकि सेबी ने रूल जो बनाया उसके अकॉर्डिंगली अब जितने भी मल्टी कैप फंड्स हैं उसमें जो प्रपोर्शन है स्मॉल कैप और मिड कैप का, उसको मिनिमम 25% करना ही पड़ेगा। मतलब 25% मिड कैप में होना चाहिए, 25% स्मॉल कैप फंड्स में होना चाहिए और बाकी बचा हुआ मैक्सिमम 50% लार्ज कैप में हो सकता है, जो अभी बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब है। जो एवरेज अगर देखा जाए पूरी इंडस्ट्री का, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के मल्टी कैप फंड्स का अगर पूरा एवरेज देखा जाए, तो जो लार्ज कैप का प्रपोर्शन है That is around 70-75% या उसके आसपास है, उससे ज्यादा। किसी किसी मल्टी कैप फंड में तो 80% तक लार्ज कैप है। तो आप सोच के देखिए, जहां 80% लार्ज कैप है वहां 25% स्मॉल कैप कैसे होगा, 25% मिड कैप कैसे होगा। अब इस रूल के हिसाब से एक फायदा होने वाला है स्मॉल कैप को और मिड कैप को, क्योंकि वहां पे बाइंग शुरू हो जाएगी। अब हड़कंप मच गया फंड मैनेजर के बीच में कि यार क्या किया जाए क्या किया जाए। तो सभी फंड मैनेजर्स ने मिलकर सेबी को फिर से अप्रोच किया, फिर से रिक्वेस्ट की कि सर ये रूल तो बड़ा डिस्टर्ब करने वाला है, हम फंड मैनेजर्स जो है हमारी लिबर्टी छीन लेने वाली है। जो स्टॉक्स हम उठाते हैं, हमें जो अच्छा लगता है वो लार्ज कैप फंड होता है, क्योंकि लार्ज कैप जो स्टॉक्स हैं वो अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं चाहे बाजार जैसा मर्जी हो, क्योंकि मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत बड़ा होता है हमारे, आपसे वो जुड़े होते हैं तो हमारे फंड की परफॉर्मेंस को वो हेल्प करते हैं। अब सेबी का कहना ये नहीं है कि आप लार्ज कैप नहीं खरीद सकते, सेबी ये कहती है कि भाई जो आप लेबलिंग कर रहे हो, जब लार्ज कैप के नाम पर दुनिया भर के फंड्स अवेलेबल हैं और आप मल्टी कैप में आप लोगों को कहते हो कि इसमें लार्ज कैप भी लेंगे, स्मॉल कैप भी लेंगे और मिड कैप भी लेंगे, तो आपको ये देखना चाहिए कि जो लेबलिंग है, जो नाम है आपके फंड का, वो प्रॉपर है और उसके हिसाब से उसे मान लिया गया हो। अब यहाँ पे जितने भी फंड मैनेजर हैं सबको अपनी परफॉर्मेंस दिखानी होती है, परफॉर्मेंस का प्रेशर वहां भी होता है सारी दुनिया की तरह से, तो उन्होंने सबने अप्रोच किया और सेबी के ऊपर दबाव डाला। सेबी ने कहा कि चलिए ठीक है, आपने थोड़ी बहुत बांध मान लेते हैं और आपको हल्का सा ट्विस्ट देते हैं, आपको ये लेबलिंग जो है मल्टी कैप फंड्स की उसको तो ठीक करना ही पड़ेगा, वहां पे तो 25-25% मिड कैप और स्मॉल कैप में रखना ही पड़ेगा। बट देखते हैं इस वीडियो में कि और सेबी ने क्या कहा, ऐसे कौन से रूल्स हैं, तो वीडियो को प्लीज अंत तक देखिएगा, टाइम नहीं हो तो प्लीज स्किप कर सकते हैं, टाइम है तो ये 5-7 मिनट आपको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दे सकती हैं। दोस्तों इस इंफॉर्मेशन को देखने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि इंफॉर्मेशन सब तक पहुंच सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब सेबी ने फंड मैनेजर्स की रिक्वेस्ट पे जो सुझाव दिए हैं वो क्या है देखते हैं, चलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि लार्ज कैप कंपनीज कौन सी होती है, मिड कैप कंपनीज कौन सी होती है, स्मॉल कैप कौन सी कंपनी होती है। ये बहुत बड़ा विषय है पर इसको छोटा सा समझने के लिए समझ लेते हैं, जो टॉप की 100 कंपनीज होती हैं वो लार्ज कैप के दायरे में आती हैं और 101 से लेकर 250 से लेकर 250 जो पहली रहेंगी वो आएंगी मिड कैप कैटेगरी के अंदर में, और 251 से लेकर आखिरी में जितनी भी कंपनी बचती है वो सारी स्मॉल कैप कंपनीज मानी जाती है अमूमन तौर पर, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये है कि इन्हीं कैटेगरीज में आपको 25% स्मॉल कैप, 25 मिड कैप और बाकी बचाव आप लार्ज कैप में लगा सकते हो। अब इसका जो प्रेशर एसएबी के ऊपर डाला फंड मैनेजर्स ने मिलकर या रिक्वेस्ट की उसको जो भी मर्जी समझा जाए, देखते हैं उसका रिजल्ट क्या निकल गया है। अब जो प्रेशर सेबी के ऊपर डाला गया उसमें सेबी ने कुछ सुझाव दिए हैं, वो सुझाव क्या है देख लेते हैं। सेबी क्या कहती है, सेबी कहती है सब मल्टी कैप स्कीम्स हैव मोर देन 80% ऑफ इन्वेस्टमेंट इन लार्ज कैप्स एंड सब मल्टी कैप स्कीम्स हैव नियर जीरो और इनसिग्निफिकेंट एसेट एलोकेशन। मतलब कुछ ऐसे मल्टी कैप फंड्स भी जहां पे स्मॉल कैप तो जीरो है, मतलब 80-85% के आसपास में लार्ज कैप भर दिया है, बाकी बचा हुआ मिड कैप भर दिया है, स्मॉल कैप कोई खरीद ही नहीं रहा है। तो मार्केट में आप सोच के देखिए, ये एक किस्म से मार्केट मैनिपुलेशन वाला खेल हो जाता है। सेबी अपने रूल्स बना रही है, वो चाहती है कि सभी कंपनीज ग्रो करें, लोगों का पैसा जो निवेश है वो ग्रो करे, हर सेक्टर में हर कंपनी में निवेश किया हुआ पैसा ग्रो करे, तो ये उस बात को ध्यान में रखकर रूल को बनाया गया है। ध्यान से पढ़िएगा, म्यूचुअल फंड्स कैन अमंग अदर थिंग्स फैसिलिटेट स्विच टू अदर स्कीम्स बाय यूनिट होल्डर्स। मतलब म्यूचुअल फंड्स ये अलाउ कर सकते हैं जो यूनिट होल्डर्स हैं वो दूसरी स्कीम में स्विच कर दें, पहले भी कर सकते थे। मर्ज देयर मल्टी कैप स्कीम्स विद देयर लार्ज कैप प्लान्स। जो मल्टी कैप स्कीम्स है अगर वो नहीं चाहते उसमें स्मॉल कैप आए तो अपनी लार्ज कैप स्कीम के साथ उसको मर्ज कर सकते हैं। लार्ज कम मिड कैप स्कीम द रेगुलेटर सेड, रेगुलेटर से भी सही है, कह रहा है अगर आपको नहीं करना तो कोई ऐसी कैटेगरी बनाओ या कि लार्ज कम मल्टी कैप स्कीम की कोई स्कीम बनाओ, नई कैटेगरी बनाओ, तो वहां पर वो लोग शिफ्ट कर सकें। सेबी का जो फ्राइडे को सर्कुलर था वो बेसिकली लेबलिंग को ठीक करने के लिए कहा था कि जो नाम बाहर लिखा है भैया ऐसा नहीं होना चाहिए, बाहर लिखा चवनप्राश है और अंदर में कोई चटनी हो, तो बाहर अगर चवनप्राश लिखा है तो अंदर भी चवनप्राश ही होना चाहिए। जो मतलब क्या है कि जो पैकेजिंग जो की गई, जो लेबलिंग की गई है, जागो ग्राहक जागो, मतलब ग्राहक को आपको मूर्ख नहीं बनाना, ग्राहक को आपको डिस्गाइज नहीं करना कि बाहर तो कुछ लिखा है और आप अंदर कुछ और कर रहे हैं।
अब ये माना जा रहा है, ये डर बैठ गया कि ऐसा करने से जितनी भी ब्रोकरेजेस हैं, जितने भी ब्रोकिंग हाउसेज हैं, उनका ये मानना है कि जितना एयूएम है उसमें से कम 35,000 करोड़ से लेकर 50,000 करोड़ तक के फंड में कटौती आएगी। मतलब इतनी लार्ज कैप फंड की सेलिंग हो सकती है, इतने लार्ज कैप स्टॉक्स की सेलिंग हो सकती है उन स्टॉक से बाहर आने के लिए अगर नियम को आसान नहीं किया गया। नीलेश शाह, ग्रुप प्रेसिडेंट एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एट कोटक महिंद्रा, ध्यान दीजिएगा इस पे, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, सेड इन एन इन्वेस्टर कॉल दैट द फंड वुड नॉट परचेज स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स इफ इट डिड नॉट मेक सेंस फॉर इट्स यूनिट होल्डर। मतलब जो फंड मैनेजर है वो जबरदस्ती सिर्फ कहने भर से कि आपने स्मॉल कैप खरीदना है, स्मॉल कैप नहीं खरीदेगा अगर वो यूनिट होल्डर्स के पक्ष में नहीं है, उसको फेवर नहीं मिलने वाला, तो फंड मैनेजर जबरदस्ती परचेज नहीं करने वाला है। अब जो ऑप्शन सजेस्ट की गई है वो ऑप्शन क्या है वो ध्यान दीजिए। पहला है रिटर्न मनी टू क्लाइंट्स, या तो क्लाइंट्स को उसका पैसा वापस कर दिया जाए पूरा का पूरा, आप कहीं निवेश नहीं करेंगे, उसकी मर्जी है जहां वो निवेश करना चाहे। दूसरा, स्विच टू अदर इक्विटी फंड्स, मतलब मल्टी कैप से निकल के वो किसी और इक्विटी फंड्स में जा सकता है। तीसरा, मर्ज कर दें मल्टी कैप फंड्स को लार्ज कैप फंड्स के साथ में, और लार्ज कैप एंड मिड कैप फंड्स टू मेंटेन द सेम इन्वेस्टमेंट प्रोसेस एंड पोर्टफोलियो क्वालिटी, उसी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए इनका मर्जर हो जाए। चौथी सबसे बड़ी सजेशन ये है कि कन्वर्ट द मल्टी कैप फंड टू अ थीमेटिक फंड लाइक ईसीजी, एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस फंड टू मेंटेन इन्वेस्टमेंट प्रोसेस एज वेल एज पोर्टफोलियो क्वालिटी। मतलब एक चौथी क्वालिटी को दे दिया गया कि ईसीजी फंड्स के हिसाब से कोई थीम बना दी जाए ताकि उसको वहां शिफ्ट किया जा सके। मतलब कोई भी फंड मैनेजर इस जबरदस्ती को बर्दाश्त करने को तैयार है नहीं, वो झेलना चाहता नहीं है, वो लेबलिंग को ठीक करना नहीं चाहता, इसके चलते ताकि बाजार में गिरावट ना हो, बाजार को संभालने के लिए और बहुत सारी लार्ज कैप में सेलिंग ना जाए, उसको समझते हुए देखते हुए सेबी ने ये चार सजेशन दिए। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये मैसेज समझ में आया हो, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर सेलिंग होगी भी, बार बार बोल रहा हूं, अगर लार्ज कैप फंड्स में सेलिंग आती है, लार्ज कैप स्टॉक्स में सेलिंग आती है, तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए हमारे लिए बाय करने की लोअर लेवल पे, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स महंगी पीई पे चल रहे होते हैं। बाजार कहां से कहां चला गया, मार्केट की पीई फिर दोबारा से 29 से पार हो गई, 32 से पार हो गई, मतलब बाजार फिर से महंगा हो गया। महंगा कैसे हो गया, महंगा हुआ इन लार्ज कैप स्टॉक्स की वजह से। लार्ज कैप स्टॉक्स में इक्विटी में तो बाइंग हो ही रही है, साथ में म्यूचुअल फंड्स वाले भी बाइंग करते रहते हैं। हम जितना ही पैसा देते हैं उसको 80-85% वो लार्ज कैप में देते हैं अपनी परफॉर्मेंस शो करने के लिए, अपनी एनएवी की ग्रोथ दिखाने के लिए। अब अगर असली फंड मैनेजर है तो उसको स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप की कॉम्बिनेशन को बरकरार रखना होगा, उसके बाद आपको अच्छे रिटर्न्स की प्रॉमिस कर सकते हैं। और ये दोस्तों अच्छा भी है, बहुत सारे निवेशक स्मॉल कैप में और मिड कैप में पैसा लगाना चाहते हैं क्योंकि असली खजाना स्मॉल कैप मिड कैप में छुपा होता है, वही एक दिन जाके मल्टी बैगर बनते हैं। तो अगर आप भी मल्टी बैगर स्टॉक्स ढूंढ रहे हैं तो बहुत जल्दी चैनल पे वीडियोस डालने वाला हूं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल नोटिफिकेशन प्रेस रखें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और इंतजार कीजिए, बहुत ही जल्दी आपके लिए ऐसी सारी वीडियोस लेके आने वाला हूं जहां पे टॉप के स्टॉक्स होंगे जो मिड कैप सेक्टर से होंगे, जो स्मॉल कैप सेक्टर से होंगे, जो मल्टी बैगर बनने का दम रखते हैं, वो आपके लिए लेके आऊंगा बहुत जल्दी। शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।